नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड की। फ्यूचर ग्रुप का एक स्टॉक है और पूरा इस पर पूरा एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इसके प्रॉज एंड कॉन्स कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं, पहली बार आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं लगातार फ्यूचर ग्रुप को कवर कर रहा हूँ, उसके बाकी तीन ग्रुप के शेयरों को मैंने कवर किया। फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड मैंने कल डाला है, उससे पहले फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन और फ्यूचर रिटेल पे तो मैं लगातार कवरेज कर ही रहा हूँ। तो मैं चार पर डाल चुका हूँ, आज ये मेरा इस पर पाँचवा वीडियो है फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन। इसके बाद बचेगा फ्यूचर मार्केट नेटवर्क, उसको भी मैं जल्दी आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर सप्लाई चेन लिमिटेड इज ऑर्गेनाइज थर्ड पार्टी सप्लाई चेन बिल्कुल एंड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इंडिया। बिल्कुल यहाँ पर सप्लाई चेन का काम करती है और लॉजिस्टिक्स का काम है इसका। द कंपनी ऑफर्स अ वाइड वेराइटी ऑफ सर्विसेज सच एज ऑटोमेटेड टेक इनेबल्ड वेयर हाउसिंग पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल पूरे भारत में यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन का लगभग काम इनके पास है और टेक इनेबल्ड वेयर हाउसिंग, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर लॉजिस्टिक रिलेटेड सॉल्यूशंस टू अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स। बिल्कुल कस्टमरों की अच्छी खासी इनके पास रेंज है। द कंपनीज कस्टमर्स ऑपरेट इन डिफरेंट सेक्टर इन इंडिया इंक्लूडिंग फैशन, अपारेल, फूड, बेवरेज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि FMCG, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, होम एंड फर्नीचर, ऑटोमेटिव एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगभग हर फील्ड में इसकी इनकी क्या कहते हैं इनका जो काम है उसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, ठीक है। तो एक ये अच्छी चीज़ है कि इनके पास हर तरह की उसमें फील्ड में इनको ज़रूरत लगती है। बात करें अगर मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 125 करोड़ का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर बात करें तो 6% प्लस में है, यही बहुत बड़ी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर माइनस में, -12.4, बहुत बेकार। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो काफ़ी कम है, 22.6 और पूरी की पूरी 100% प्लेज है। देखिए फ्यूचर ग्रुप के साथ क्या चल रहा है ये सभी जानते हैं, लगभग जो नहीं जानते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके फ्यूचर ग्रुप अपडेट करके फोल्डर पड़ा है, आप वहाँ पर लगातार देख सकते हैं, उसमें मैंने लगातार इसको पूरा कवर किया हुआ है। बात करें अगर डेट की, तो डेट 543 करोड़ मार्केट कैप के हिसाब से लगभग 5.5 गुना है, 4.5 गुना के आसपास है डेट। और डेट इक्विटी है 1.46, यानी कि कंपनी पे अच्छा खासा डेट भी है। और खैर करंट सिचुएशन तो सभी को पता ही है कि फ्यूचर रिटेल इंसॉल्वेंसी में जा रहा है, ज़्यादातर बिजनेस इनका उसी के साथ था, लेकिन इनके अच्छे खासे कस्टमर्स और भी हैं। बात करें हाई लो की, तो देखिए 24 रुपये का लो लगाता है, 96 का हाई लगाता है, यानी कि 24 और 96 एक साल में 4 गुना घूम के वापस आया और अभी चल रहा 28 रुपये, तो अच्छा खासा यहाँ पर ये गिर चुका है। बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, तो 3 प्रोज हैं, बाकी 6 कॉन्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो देखिए अभी जून वाला तो मामला कुछ नहीं बना है, लेकिन हाँ बाकी जिन्होंने तो दिसंबर तक के रिजल्ट दिए थे, इसने यहाँ पर मार्च 22 में रिजल्ट दिए हैं। और उसके हिसाब से अगर हम बात करें सेल्स की, सारी वैल्यू करोड़ में है, सेल्स आप देखेंगे कि 134 करोड़ है, दिसंबर 2021 में 183 करोड़, उससे पहले 163 करोड़, उससे पहले 129 करोड़, उससे पहले 150 करोड़। तो यहाँ पर मामला आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस वाले क्वार्टर में डाउन दिखा है, बाकी में नहीं तो मामला यहाँ पर आपको ठीक दिख रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था। क्वार्टरली लेवल पर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो देखिए बेहतरीन है यहाँ पर, 24%, 24%, 14%, 12%, 26%, 6%, तो यहाँ पर ये अच्छी ही दिखती है। बात करें अगर नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे कि मार्च क्वार्टर में बहुत तगड़ा बड़ा लॉस किया इसने, 624 करोड़ का लॉस, उससे पहले 4 करोड़ का लॉस, उससे पहले 27, 43, 19, तो लगातार देखिए लॉस मेकिंग कंपनी है पिछले कई क्वार्टर से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है। बात करें अगर सेल्स की, तो सेल्स आप देखेंगे मार्च 2022 में 609 करोड़, उससे पहले 466, उससे पहले 1141, 1113, मार्च यहाँ पर आप देखेंगे 19 और 20 में यहाँ पर आपको अच्छा जंप देखने को मिला है, लेकिन एक्सपेंसेस भी बहुत अच्छे खासे देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड आता हुआ नज़र आया इसमें 2021 में, लेकिन 22 में यहाँ पर आपको फिर से सेल देखने को बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसेस भी अच्छे खासे बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो इनका ये अच्छा है, 19%, 12%, 22%, 11% ये है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी लॉस पोस्ट कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करिए, कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, तो 698 करोड़ लॉस, 184 माइनस, 64 करोड़ माइनस, 65 प्लस, इससे पहले प्लस में रही है यहाँ तक आप देखेंगे तो, लेकिन उसके बाद तो फिर माइनस में ही मामला
सारा चल रहा है, तब माइनस में तो अर्निंग पर शेयर की बात करने कोई मतलब नहीं है। बात करें रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स कंपनी के पास मेंटेन हुआ करते थे, 179 करोड़ के रिजर्व्स 2015 में हुआ करते थे, जो कि घट के आ गए माइनस 184 करोड़। हालांकि मार्च 2021 में 514 करोड़ के रिजर्व्स हुआ करते थे कंपनी के पास, लेकिन सब के सब लेनदारी और देनदारी में जा चुके हैं। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो FII आप देखेंगे यहाँ पर FII निकल गए थे दिसंबर 2020 में, बहुत थोड़े थे। हालांकि 19 और 18, 19, 20 में आप देखेंगे तो अच्छे खासे यहाँ पर FII थे, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको जीरो दिख रहा है, यहाँ पर कोई इसमें हलचल नहीं है। DII की बात करें तो DII 0.06 बने हुए हैं मार्च 2022 में, और सितंबर 2021 में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी 0.05 से 0.06 करी थी। बात करें रिटर्न की, तो वनडे का रिटर्न अगर बात करें 1.07% अपर होकर बंद हुआ है, एक दिन में इसने रिटर्न दिया है। वन वीक की बात करें तो 1.90% माइनस में, 27.70 रुपये का लो लगाता है, 29.10 रुपये का हाई लगाता है, बंद है इस समय 28.45 रुपये पर। बात करें अगर एक महीने की, तो एक महीने में इसने लगभग माइनस 11% के आसपास रिटर्न दिया हुए हैं इसने, और 27.70 रुपये का लो लगाता है, 28.45 रुपये पर चल रहा है। एक साल की बात करें तो लगभग इसने आधी से ज़्यादा कैपिटल आपकी ख़त्म कर दी है, 57% माइनस में रिटर्न दिए हैं, 24.10 रुपये का लो लगाता है, हाई लगाता है 96.45 रुपये। बात करें 5 साल में आपकी पूरी कैपिटल खा गया है, 95.85% माइनस में, यानी कि आपकी पूरी कैपिटल इसने ख़त्म कर दी है पिछले 5 साल में, और लो लगाता है 24.10 रुपये का, हाई देखिए कहाँ लगाता है, 760 रुपये का स्टॉक देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो आपको इसीलिए शेयर मार्केट में मैं हमेशा कहता हूँ, आपको दोनों तरफ के लिए तैयार रहना चाहिए, इधर के लिए भी और इधर के लिए भी, ऊपर और नीचे दोनों। बात करें अगर मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम भी आप देखेंगे 95.85% माइनस में, पूरी कैपिटल इसने ख़त्म कर दी। बात करें इसके एंट्री पॉइंट की, पहले बात करते हैं एंट्री पॉइंट, कोई गुड टाइम टू कंसीडर स्टॉक और बोर्ड दोनों बिल्कुल नहीं है, आप ले सकते हैं, आप ये देख के लेने में चले जाइएगा, फंडामेंटल्स आपने खुद देख लिए, बाकी भी लास्ट में अपने व्यूज बताऊंगा। रेड फ्लैग देखते हैं, कोई एक रेड फ्लैग है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग तो कम ही है, और 100% जो प्रमोटर होल्डिंग है वो प्लेज है। बात करें की मैट्रिक्स की, तो सेक्टर का पी है 48.92, और यहाँ पर आपको पी देखने को मिल रहा है 0.18 माइनस में, तो ये यहाँ पर आप बहुत सस्ता देखने को मिल रहा है, इसके हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन आपने बाकी फंडामेंटल्स भी देखी नहीं है, आप समझदार हैं, आपको क्या करना चाहिए। बात करेंगे इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सेकेंड, यहाँ पर आपको बढ़िया सारी वैल्यू यहाँ पर देखी 1000 करोड़ में, तो 1.23 यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर घटा 1.16.5, और यहाँ से आपको पिछले से जम देखने को मिला। लेकिन प्रॉफिट की बात करेंगे, 2019 में प्रॉफिट था, 2020 में माइनस, 2021 में और ज़्यादा माइनस, और 2022 में तो आपको बड़ा माइनस देखने को मिल रहा है। बात करें अगर वॉल्यूम की, तो देखिए वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट करता है ये, माफ़ कीजिएगा, अच्छा खासा जनरेट नहीं करता है, पिछला वाला एक्चुअल में बनाया था उसमें बहुत अच्छा, सुजलॉन का बनाया था मैंने, तो उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम था। तो यहाँ पर देखिए टुडे का मतलब आप समझिए शुक्रवार है, ठीक है, शुक्रवार का है ये, 44,000 का वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। बृहस्पतिवार को देखेंगे तो 27,000 का एवरेज, बात करेंगे वन वीक की तो 31,000 का, और वन मंथ के एवरेज की बात करेंगे तो 36,000 का वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट करता है। बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो पहला है 29.07 रुपये, दूसरा है 29.68 रुपये, तीसरा है 30.37 रुपये, यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस हैं। और सपोर्ट की बात करेंगे तो पहला है 27.70 रुपये, दूसरा है 27.08 रुपये, और तीसरा है 26.47 रुपये। बात करते हैं चार्ट की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लगभग लो पे, यहाँ पर इसने अपना ऑल टाइम लो लगाया था, यहाँ से फिर इसने जंप दिखाया, लेकिन फिर वहीं पर जाके ये खड़ा हुआ है। तो मेरी देखिए सलाह यही है भैया, जो बिगनर्स हैं, जो नए लोग हैं, वो बिल्कुल इससे दूर हैं, कतई इसमें कुछ नहीं जरूरत नहीं है, जिन्होंने ऊपर ले रखा है बहुत ज़्यादा, ठीक है अभी इसको होल्ड करिए, आराम से होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके फंडामेंटल्स अब बुरे तो हैं नो डाउट, लेकिन ठीक है अभी कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो हैं इनका, जो सेल्स वगैरह आपने देखी वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, लेकिन वही है कि प्रॉफिट अभी कंपनी नहीं आ पा रही, काफ़ी दिनों से लॉस पोस्ट कर रही है, तो ठीक है होल्ड तो करना ही चाहिए, अभी कर सकते हैं। बाकी RSI की अगर हम बात करें तो 39.90 रुपये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता है, लेकिन यहाँ से जो ये कंसोलिडेशन वाला फेज दिख रहा है ना, कई दिनों से यहाँ पर कंसोलिडेशन वाला फेज दिख रहा है,
तो हो सकता है अभी थोड़ी जल्द ही आपको यहाँ पर एक जंप दिखे और फिर वहाँ से हो सकता है फिर आपको नीचे की तरफ जाए। लेकिन अगर ये इसके अपने 50 और 100 ईएमए के ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपको एक रिवर्सल का साइन बढ़िया दिख सकता है। बात करें वीकली लेवल पे, तो वीकली लेवल पे भी आपको लगातार यहाँ पर कमजोरी दिख रही है, डाउन ट्रेंड आपको पूरा क्लियर कट दिख रहा है। कई हफ्तों से आप देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन वाले फेज में है, ठीक है, और 28.45 रुपये पर जाकर ये बंद हुआ। वीकली लेवल पर RSI देखेंगे तो यहाँ पर और कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। बात करें मंथली लेवल पे, तो RSI आपको और कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर भयानक आपको गिरावट और फिर इसके बाद लगातार और कई महीनों से यहाँ पर अभी ये कंसोलिडेशन वाले फेज में है। बहुत ज़्यादा ऊपर भाग नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहा, बीच में पता है कंसोलिडेशन जब भी होता है उसके बाद या तो एक मुख ऐसे आता है या एक मुख ऐसे आता है, ऊपर या नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए बहुत सावधानी से ट्रेड करिए इसमें। मेरी सलाह यही है कि नए लोग भैया इससे बिल्कुल दूर रहें। मेरी ये चैनल की वहाँ पर पैनी स्टॉक नाम का फोल्डर है, मैंने बहुत सारे पैनी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस किया, उनमें देखिए आप जिसके फंडामेंटल्स आपको अच्छे लगे उसमें पैसे लगाइए। और आप पैनी स्टॉक्स में बिल्कुल उतना ही पैसा हमेशा लगाना चाहिए, चाहे कितने ही अच्छे फंडामेंटल्स क्यों ना हो, आप उतना ही पैसा लगाइए कि डूब जाए खो जाए तो टेंशन ना हो। हमेशा आपको ज़्यादा पैसा निफ्टी 50 के स्टॉक में लगाइए, टॉप 50 कंपनी में लगाइए, वो ज़्यादा आपके लिए सेफ रहेगा और अच्छा रहेगा। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए। और हाँ, मुझे सेवी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर सलाह लीजिए। धन्यवाद।